टैटू, शरीर पर गोंदा गया एक निशान जो एक वक्त न जाने कितनी हिंदी फिल्मों में पिछड़े हुए लोगों को मिलाता था। कहते हैं कि कहानियां अक्सर जीवन का प्रतिबिंब ही होती हैं। सर, पीआई सुरवे सर को वापस ज्वाइन करने में टाइम लगेगा। उनके फादर हॉस्पिटल में हैं। तबीयत बहुत खराब है। लगता तो ऐसे ही है सर। तो ठीक है, क्लासरूम सेशन सुरवे के वापस ज्वाइन होने के बाद शुरू कर देंगे। यस सर। गया बाबा। हाँ। आदेश, अभी यहाँ बैठा बैठे तू मुझे कब तक सूप पिलाता रहेगा बेटा? वापस ड्यूटी पे क्यों नहीं जा रहा है? तू ड्यूटी पे जाएगा तो यहाँ नर्स को पटा कर अच्छा खाना तो खा सकूंगा। बाबा, जब तक आप पूरी तरह से ठीक होकर घर वापस नहीं आ जाते, मैं कहीं नहीं जा रहा। और फिर अमृता खुद आपकी पसंद का सारा खाना बनाएगी और फिर हम रोज साथ में डिनर करेंगे। बेटा, घर वापस आऊंगा या नहीं कोई भरोसा नहीं है, लेकिन बेटा हिम्मत मत हारना। सॉरी, ही इज नो मोर। रिवाइव होने का कोई चांस नहीं? नहीं सुरवे साहब, मुझे लगता है कि अब उन्हें वेंटिलेटर से हटा देना चाहिए। अमृता, मैंने सिर्फ अपने बाबा को नहीं खोया बल्कि अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी खो दिया। आदेश, मेरी मानिए तो आप ड्यूटी फिर से ज्वाइन कर लीजिए। घर पे रहेंगे तो बाबा को याद करोगे, ड्यूटी पे जाने से आपको थोड़ा चेंज मिलेगा। बसा, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले आपस में जान पहचान कर लेते। माझा नाव इंस्पेक्टर आदेश रामनाथ सुरवे। अभी तुम लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। अजीत देशपांडे सर। कुछ बताओ अपने बारे में। अजीत, कहाँ से हो, फैमिली कहाँ है? सर, मैं मुंबई से हूँ, मलाड। मेरे पिताजी भी पुलिस ऑफिसर है। अच्छा, कहाँ पोस्टेड है? गोरेगांव में सर। गुड, बसा। नामदेव कदम सर। बोलो। शिव वर्तक सर। बोला। सर, मैं थाने के एक हॉस्टल में रहता हूँ। और तुम्हारे माँ बाप? सर, पता नहीं। तुम्हारा नाम शिव एस वर्तक है ना? जी सर। एस से तुम्हारे पिता का नाम शुरू होता होगा ना? हाँ सर, हो सकता है। तो क्या है तुम्हारे पिता का नाम? पता नहीं सर। और तुम्हारी माँ का नाम? सर, शायद लक्ष्मी है। ओके, बसा। शिव। यस सर। क्लास के बाद मुझे मेरे केबिन में आके मिलो। जी सर।
शिव तो डरता क्यों है? उनको सब सच बता देना। शिव तो जानता था कि कभी ना कभी ये बात सामने आनी थी। कोई ना कोई तो तुझसे पूछेगा और तुझे बताना भी पड़ेगा। वो तो अच्छा है कि सुरवे सर ये सब पूछ रहे हैं। सुना है बहुत अच्छे आदमी है। डर मत, सब सच बता दे उनको। एक पुलिस ऑफिसर आदर्श सुरवे, जिसने अभी अभी अपने पिता को खोया था, और एक युवा ट्रेनी शिव वर्तक, जिसे पता नहीं था कि उसके पिता का नाम क्या है, उसके माता पिता कौन है और कहां है। क्या थी शिव वर्तक की कहानी? May I come in, sir? Come in, Shiv. Come. अरे बैठो। मैं ठीक हूँ सर। Sit down, Shiv. सर, तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो? तुम अपने माँ बाप को नहीं जानते? नहीं सर। घर से भाग कर आए हो या फिर माँ बाप के साथ झगड़ा हो गया है? बात क्या है? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। शिव एस वर्तक, तुम्हें अपना नाम पता है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता का नाम एस से शुरू होता है? तुम्हारी माँ का नाम लक्ष्मी हो सकता है? ये सब क्या है शिव? कोई तो बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। हे वक्त घाबरू नकोश, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। सर, मुझे लगता है कि मेरे बाबा का नाम स से शुरू होता है, क्योंकि वो मेरे हाथ पे लिखा हुआ है सर। हाथ पे लिखा हुआ है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तुम कहां से आए हो? तुम्हारे माँ बाप कहां है? सर, अब ठीक से तो याद नहीं है मुझे। बहुत साल हो गए इस बात को। शायद मैं तब 7 या 8 साल का था, स्कूल में पढ़ता था सर। पर कहां ये मुझे अब तक याद नहीं। हम काफी गरीब थे सर। स्कूल में मेरे 2 दोस्त हुआ करते थे, बिल्लू और संजय, जिनमें से संजय मुझसे उम्र में बड़ा था। फिर एक दिन हम किधर जा रहे हैं? कल ना बहुत मजा आएगा। हाँ, खूब मस्ती करेंगे। तू 2 मिनट इधर ही रह, हम जरा आसपास देख के आते हैं, फिर तेरे को लेकर जाएंगे। लेकिन बिल्लू, तुम लोग जा किधर रहे हो? अरे तू बैठना इधर, थोड़ी देर में बताते हैं, बस अभी वापस आ जाएंगे। तू इधर ही बैठ, कहीं जाना मत, ठीक है? चल। काफी देर तक वहां बैठा रहा सर, काफी घंटे बीत चुके थे, मुझे घर जाना था। घर के पास कौन सा स्टेशन था पता नहीं था, वहां जाने के लिए कौन सी ट्रेन पकड़नी चाहिए यह भी मालूम नहीं था सर। बिल्लू और संजय भी वापस नहीं आ रहे थे। फिर एक गाड़ी आई सर, ठीक वैसी ही जैसी गाड़ी से मैं यहाँ आया था। मैं उसमें चढ़ गया सर। पता नहीं मैं कौन से स्टेशन पर आ पहुंचा था सर, पर इतना पक्का था कि ये वो स्टेशन नहीं जहां मेरा घर था। वो स्टेशन काफी बड़ा था सर,
काफी भीड़ थी वहां पर। मुझे आज भी याद नहीं वो कौन सा स्टेशन था, पर ऐसा लगता है शायद वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस था सर। फिर तुम वहां से कहां गए? बस सड़कों पर भटकता रहा यहां वहां, और एक खाली जगह देखकर सो गया। तेरा घर मालूम नहीं। नाम क्या है तेरा? शिव। उस औरत को मुझ पे दया आ गई, वो मुझे अपने घर ले गई, खाना खिलाया। तुम्हें कुछ भी याद नहीं था कि तुम्हारा घर कहाँ था, किस एरिया में था? नहीं। हाँ सर, अब्बू जो बिल्कुल मेरे बाबा की तरह ही थे, उन्होंने मुझे एक बार बताया कि जब डॉक्टर्स ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सिर्फ इतना ही बताया कि मैं मामू भांजा से हूँ। डॉक्टर? अरे लेकिन वो औरत तो तुमको अपने घर ले गई थी ना? हाँ सर, लेकिन कुछ दिनों के लिए। लोकर फीड लगा है तुझे सविता? दिमाग खराब हो गया तेरा? मेरा बाप के यहाँ साहूकार बैठा है, या अपने यहाँ पैसों की बरसात हो रही है जो तू इसको भी ले आई? चौपाटी पे खड़ा रो रहा था ये, इसको तो पता भी नहीं इसका घर कहाँ है। तो यहाँ क्या अनाथालय खोल के रखा है? अरे अक्षय के साथ काम पे जाएगा नहीं, चार पैसे कमा के लाएगा, फिर हम उसको ये खाना वाना देंगे थोड़ा और ख्याल रखेंगे उसका। अरे क्यों जाला उदय, देख किसी काम का भी है कि नहीं। सुना ना, बोलना, मेरे पास माँ नहीं है, बाप नहीं है, तीन दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया नहीं। इन लोग के हाथ पाँव पकड़ लेने का, ये लोग को गंदा लगता है जब हम हाथ पाँव पकड़ते हैं तो झट से पैसा निकाल के देते हैं, समझा? एक दो। वाह, तू तो बहुत जल्दी सीख गया। अच्छा अच्छा, तुमने कहा तुम्हें तुम्हारी माँ का नाम लक्ष्मी वर्तक है ये याद है, पर तुम्हारा घर कहाँ है, उस जगह का नाम कुछ भी याद नहीं? नहीं सर, मुझे सिर्फ मामू भांजा याद है, वो भी इसलिए क्योंकि अब्बू ने बताया कि ऐसा मैंने डॉक्टर से तब कहा जब मुझे होश आया था। क्या हुआ था तुम्हें? सर वो औरत, आदमी और लड़का मुझे अब तो ठीक से याद नहीं है, और उस एक्सीडेंट के बाद सब कहते हैं कि मेरी याददाश्त पर काफ़ी असर पड़ा था। एक्सीडेंट?
बेटे ये देख सकते हो? बेटे तुम्हारा नाम शिव वर्तक है? शिव, तुम्हें पता है तुम्हारे मां बाप कहां हैं? उन्होंने बताया कि एक हफ्ते पहले सड़क पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। शिव, हमें वो औरत मिल गई है जिसके पास तुम रहते थे। बेटा, उसने हमें बताया कि तुम उसके बेटे नहीं हो, तुम उसे चौपाटी पर मिले थे। शिव, ये अर्चना मैडम है, ये आनंद केंद्र से आई है जहां उन बच्चों को रखा जाता है जिनके पास घर नहीं होता। ये तुम्हें ले जाने आई है। मुझे घर जाना है। तुम्हारा घर है कहां बेटा? शिव, वो औरत जो तुम्हें चौपाटी पर मिली थी, वो तुम्हें अब अपने साथ नहीं रखना चाहती। इसीलिए जब तक तुम्हारे माँ बाप का पता नहीं चल जाता, तब तक तुम आनंद केंद्र में रह सकते हो, ठीक है? बेघर बच्चों का घर अब शिव का घर बन गया। अब किस रास्ते जाने वाली थी उसकी जिंदगी? शिव पुलिस फोर्स में कैसे पहुंचा? देखते हैं उसकी कहानी का अगला पड़ाव। सुना है तेरा नाम तेरे हाथ पे लिखा है, दिखाना तो बेटा। पेट भर के खाना खा, बड़ा कमजोर लग रहा है तू, जा बैठ जा। आ जाओ आगे, चलो। शिव, यहाँ के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि तुम भी आनंद केंद्र से जुड़े हुए स्कूल में पढ़ने जाओ। तुमने कहा तुम तीसरी क्लास में पढ़ते हो? तो ठीक है, हम तुम्हें स्कूल ले जाएंगे। एक आध हफ्ते वो लोग देखेंगे कि तुम चौथी क्लास में जा सकते हो या नहीं, और अगर नहीं जा सकते तो तुम फिर से अपनी पढ़ाई तीसरी क्लास से शुरू करना, ठीक है शिव? क्या हुआ बेटा, सोया नहीं अब तक? घर की याद आ रही है? मैं समझ सकता हूं बेटा, पर अब क्या कर सकते हैं? तेरे आसपास इतने सारे बच्चे हैं, उन्हीं को अपना भाई समझ ले, उनसे दोस्ती कर ले, और मैं हूं, अर्चना मैडम भी तो है, एक दिन यही तेरा घर बन जाएगा। बेटा, मैंने सुना था तू गुम हो गया था, माँ बाप घर बार कुछ याद नहीं है? जी। कोई शहर मोहल्ला गांव कुछ याद नहीं? नहीं अब्बू। बेटा दुखी मत हो, किस्मत ने चाहा तो एक दिन तो अपना घर ढूंढ ही लेगा, या क्या पता तेरे घर वाले ही तुझे ढूंढ लेंगे। पर तब तक हिम्मत रख, और कभी भी कोई भी तकलीफ हो तो याद रखना ये अब्बू है हमेशा तेरे साथ। चल अब अपने कमरे में जा और लेट जा, थोड़ी देर में अपने आप नींद आ जाएगी। Thank you.
चलो चलो उठो 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 चलो। शिव जा बेटा, उठ, कसरत करने का समय हो गया ना। शिव उठ जा, शिव उठो उठो चलो, बहुत देर हो गई, कितना सो गया अभी, चलो। एक दो तीन चार पांच सहा बारह, ओके। चलो उठा उठा, चलो उठो 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 उठो, आ जाओ, चलो चलो चलो, एक लाइन मारे उबेरा, चला चल जा, करेक्ट, चल 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 तू चल, हाँ जाता, करेक्ट, पुड़सा, गुड गुड, जा चला, जाओ जाओ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे, हाँ गुड सा, हाँ आ जा, यस, आ जा आ जा, अब्बू के हाथ का खाना खा के सब लोग तंदुरुस्त हो जाओगे, हाँ आ जाओ। आनंद आश्रम ही मेरा घर बन गया था सर, अगले चार साल तक अब्बू ही मेरे बाबा थे, मैं पढ़ाई में अच्छा था, सबसे घुल मिल गया था, स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा था, अबू मेरा बहुत ख्याल रखते थे सर, उनकी मदद से मैं बहुत अच्छा रनर बन गया था। अबू वो लोग अगले हफ्ते बच्चों के सिलेक्शन के लिए स्कूल आ रहे हैं। क्या? अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है शिव बेटा, याद रख तुझे हर हाल में सिलेक्ट होना है, इसलिए आज से तेरे लिए दूध का एक गिलास एक्स्ट्रा, खूब मेहनत करना, हम्म, तो हमारा सबसे तेज रनर जो है। क्रीड़ा प्रबोधिनी ने मुझे एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया, मैं उनके हॉस्टल में रहने लगा और मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। रोता क्यों है पगले, अभी तो जिंदगी में बहुत आगे जाना है, बहुत आगे बढ़ना है। अबू मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। कैसी बातें करता है तू शिव बेटा, चार साल हो गए तुझे यहाँ, पहली बार जब तू यहाँ आया था तो कितना उदास रहता था, मुझे नहीं लगा था तू यहाँ रह पाएगा, पर अब देख इतना अच्छा मौका मिल रहा है तुझे, एक नई जगह जाकर बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, खेलकूद में भी तू आगे बढ़ेगा, और ये सब तेरे भले के लिए तो हो रहा है बेटा। मैं कहाँ कहीं भागे जा रहा हूँ, यही हूं मैं, जो अपने अब्बू की याद आएगी तो आ जाना मुझसे मिलने के लिए, नहीं तो मैं तुझसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। हम्म, आठ साल की उम्र में वो खो गया था, एक औरत ने उसे कुछ दिन सहारा दिया, लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसे छोड़ दिया और हॉस्पिटल से उसे भेज दिया गया एक अनाथालय में। 12 साल की उम्र में सातवीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद एथलेटिक्स में आगे की ट्रेनिंग के लिए खेलकूद से जुड़ी एक संस्था ने उसका चुनाव कर लिया। अब एक नए हॉस्टल में शिव को एक नया घर मिला।
बहुत बढ़िया शिव, तू एक दिन बहुत आगे बढ़ेगा। थैंक यू सर। देख, यहाँ के पास के स्कूल में तेरा दाखिला हो चुका है, अब तू यही हॉस्टल में रहकर तेरी अगली ट्रेनिंग पूरी करेगा। ओके, थैंक यू सर। देख शिव, तुझमें वो बात है और मेरा पूरा विश्वास है कि तू बहुत आगे बढ़ेगा, बस मन लगाकर मेहनत करेगा। चल एक और राउंड मारते हैं। यस सर। मैं कम इन सर। यस सर, अनुराग ने ये फॉर्म दिया था, बोला था कि आपने उसे ये मुझे देने के लिए कहा है। होशियो, अब तुम फिजिकल फिट हो और स्पोर्ट्स में भी तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब तुम्हें अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारी ये फिटनेस पुलिस फोर्स में काम आएगी। मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स पुलिस फोर्स में अप्लाई करें और तुम्हारे वहां के सिलेक्शन के चांसेस मुझे बहुत ज्यादा दिखाई देते। मैं उसे जरूर क्लियर करूंगा सर। गुड। शिव बेटा, आजा आजा आजा, खाना खाएगा? आजा। हेलो, आज पूरे 6 महीने के बाद आया है। कहाँ था, क्या कर क्या रहा था इतने दिन? अब वो आपको बताऊंगा ना तो आप खुशी से पागल हो जाओगे। अरे बाप रे, ऐसा क्या कर दिया तूने? इसे पढ़िए। क्या है ये? सलाम साहब। पुलिस फोर्स की एक स्पेशल विंग है, क्विक रेस्पॉन्स टीम, एक ऐसी खास टीम जिसे इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, कमांडो ट्रेनिंग की तरह। तुम में से सबसे तेज, सबसे फिट इस टीम का हिस्सा बन सकता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि तुम में से कौन कौन इस टीम का हिस्सा बनना चाहता है। गुड। लेकिन तुम सब में से सिर्फ 2 लोग सिलेक्ट होंगे, 2 बेस्ट ऑफिसर्स। शिव वर्तक। हो सर। अजीत देशपांडे। हो सर। शिव एस वर्तक। काय सांगू, क्या कहूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारे बारे में पता किया था, तुम एक बहुत ही होनहार टीम मेंबर हो, लेकिन ये सब सुनने के बाद तो बस इतना ही कहूंगा कि मुझे तुम पर गर्व है। थैंक यू सर। इतनी कठिन परिस्थितियों से होकर, ऐसे मुश्किल हालातों का सामना करके आज तुम जहां तक भी पहुंचे हो, इट्स रियली ग्रेट। तुम बाकी सब मेंबर्स के लिए एक इंस्पिरेशन हो शिव। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बहुत आगे बढ़ोगे। सर। शिव। जी सर।
इतकी वर्ष जाली तुमने कभी भी अपने माँ बाप या घर वालों को ढूंढने की कोशिश नहीं की? सर मैं हमेशा उनके बारे में ही सोचता हूँ, पर कहीं आठवत नहीं। 24 साल बीत चुके हैं इस बात को सर, पर आज भी मैं यही सोचता हूँ कि ये सब हुआ ही क्यों? क्यों मैं उस दिन अपने घर पर किसी को बिना बताए ही अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया? मैं तो ये भी नहीं जानता था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। सर आज भी बस यही लगता है कि अगर मैं खोया नहीं होता तो शायद अपनी फैमिली के साथ होता सर। तो फिर तुमने अपने घर वालों को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? सर पता ही नहीं था कि कहां से शुरुआत करूं। शिव हम पुलिस में काम करते हैं, अगर ये सब हम आम जनता के लिए कर सकते हैं तो हमारे खुद के लिए क्यों नहीं? शिव हम तुम्हारे घर वालों को ढूंढ सकते हैं। पता नहीं सर अब ये हो पाएगा भी या नहीं। शिव अभी हाल ही में मैंने अपने बाबा को खो दिया। वो सिर्फ मेरे बाबा नहीं थे बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी थे। वो जब बीमार हुए तो मैं डर गया कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, उनके बगैर कैसे जीऊंगा। और मैं यहां आकर तुमसे मिला। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे घर वाले भी तो तुम्हारे लिए परेशान होंगे, उन्होंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा होगा। हो सकता है सर। तो क्या तुम उनको ढूंढना नहीं चाहते? शिव तुमने तो नामुमकिन को भी हासिल करके दिखा दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपने घर वालों को जरूर ढूंढ लोगे। इतनी देर हो गई आई, काम ही देर से खत्म हुआ तो क्या करूं? खाना बनाया तूने? हो आई, पर दादा अभी तक घर नहीं आए हैं। ये अपने पिता को खो चुके एक सीनियर ऑफिसर की मुलाकात एक ऐसे ट्रेनी से होती है जिसके जीवन की मुश्किलों भरी कहानी उन्हें बहुत ही प्रभावित करती है। वो अपने उस ट्रेनी को इंस्पायर करता है कि वो अपने माँ बाप को ढूंढे, एक हॉस्पिटल से एक अनाथालय और फिर एक स्पोर्ट्स स्कूल के हॉस्टल में। जहां भी शिव गया उसे एक नया घर मिला, घर वाले मिले जिन्होंने हर पल उसका साथ दिया और उसके हुनर को बढ़ावा दिया। क्या हाथ पे गुदवाए गए एक नाम के सहारे शिव अपने माँ बाप को ढूंढ पाएगा? क्या अपनी माँ के नाम की एक धुंधली सी याद उसे उसके घर वालों तक पहुंचा सकेगी? क्या वो घर जो उसने 24 साल पहले खो दिया था उसे फिर से मिल सकेगा? इन 24 सालों में क्या हुआ है शिव के घर वालों के साथ? कहां और किस हाल में है उसका परिवार? क्या उन्होंने शिव को ढूंढने की कोशिश की? क्यों नहीं पहुंच पाए उस तक उसके घर वाले? कभी कभी हकीकत किसी कहानी से भी ज्यादा हैरान कर देने वाली होती है। कल रात 11 बजे हम देखेंगे इस दिल को छू देने वाली कहानी का दूसरा और आखिरी भाग। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय हिंद।